एक सुपरवाइजर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके पीएचडी में। जब मैं पीएचडी में था तब मुझे ये बात समझ में आया। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में क्या क्या पैरामीटर आपको देखना चाहिए एक सुपरवाइजर को सिलेक्ट करने से पहले, क्योंकि ये आपके लाइफ का सबसे क्रूशियल डिसीजन है। अच्छे सुपरवाइजर आपके साथ लाइफ लॉन्ग जर्नी में रहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले ये आपको जानना चाहिए कि कहीं कहीं आप पीएचडी जब ज्वाइन कीजिएगा तब आपको सुपरवाइजर अलॉट करने का मौका मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू देते हैं पीएचडी में तभी आपका सुपरवाइजर अलॉट हो जाता है। लेकिन अगर आपको सुपरवाइजर पसंद नहीं आते हैं, आप उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप सुपरवाइजर चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा रूल में होता है। लेकिन ये रूल वैरी करेगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो सबसे पहला है जो क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए, उनका रिसर्च एंड एक्सपर्टाइज। देखिए ज्यादातर बच्चे, मैंने आपको बताया था कि डार्क एंड ब्राइट साइड ऑफ पीएचडी इन इंडिया में, कि ज़्यादातर बच्चे वो पीएचडी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता है, तो उनको पता नहीं होता कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो वैसे बच्चे जिनको पता नहीं कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, तो आप हमेशा ये देखिए कि आपके जो सुपरवाइजर है जिनके पास आप जाना चाहते हैं वो लेटेस्ट एरिया में काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके पास कितना पेटेंट्स है, कितना प्रोजेक्ट्स है, कितना पब्लिकेशन है और पब्लिकेशन किस जर्नल में पब्लिश हो रहा है। हमेशा आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो रिसर्च जो टॉपिक उनके पास है वो डिमांडिंग है कि नहीं, फ्यूचर उनका क्या होगा, उस रिसर्च का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जिन बच्चों को पता है कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, तो आपको देखना है कि जो रिसर्च इंटरेस्ट आपका है वो आपके सुपरवाइजर के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं। अगर अलाइन हो रहा है तो वो सुपरवाइजर किस जर्नल में, कितना अच्छा जर्नल में वो पेपर पब्लिश कर रहे हैं, क्यूएन जर्नल है कि नहीं, इसका इम्पैक्ट फैक्टर हाई है कि नहीं, ये सब आपको देखना है जिनको पता है कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। अब दूसरा पॉइंट है कि ट्रैक रिकॉर्ड विथ स्टूडेंट। सबसे पहले किसी सुपरवाइजर को आपको चुनना है तो सबसे पहले आपको उसके पीएचडी स्टूडेंट से बात करना चाहिए उनके नेचर के बारे में। फिर आपको ये देखना चाहिए कि उनके जो स्टूडेंट्स है, जो प्रीवियस स्टूडेंट है, कहाँ प्लेस्ड हुए हैं, वो कितने सेटिस्फाइड थे अपने सुपरवाइजर। रिसर्च वर्क के अलावा बहुत सारा वर्क तो आपको नहीं दे देते हैं, ये सारा चीज आपको देखना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको अगर बोलूँ तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके सुपरवाइजर का मेंटरशिप स्टाइल कैसा और कितना इफेक्टिव है। फिर आपको ये देखना चाहिए कि आप सुपरवाइजर के साथ कितना पर्सनली फिट है, क्योंकि पीएचडी एक लॉन्ग जर्नी है, आपके कितना सपोर्टिव है वो, आपके अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ में कितना सपोर्ट करते हैं आपको, टेक्निकल सपोर्ट के अलावा साइकोलॉजिकल कितना सपोर्ट करते हैं आप, आपको ये भी देखना चाहिए। अब अगला पॉइंट ये है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको किन के अंदर जाना चाहिए, प्रोफेसर के अंदर जाना चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर जाना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जाना चाहिए। देखिए मैं शॉर्ट में आपको तीन चार पॉइंट बताता हूँ जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन के अंदर जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोफेसर का बात करते हैं। तो देखिए आईआईटी में खासकर जो प्रोफेसर होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो हर जगह पे इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो अगर आप उनके अंडर काम कर रहे हैं तो चांस है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, लेकिन ये चांस है। अगर आपका नहीं हुआ और अगर उनका लेटेस्ट एरिया में काम नहीं कर रहे हैं तो बाहर आपको जॉब लेने में बहुत दिक्कत हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। जनरली प्रोफेसर उतना आपको टाइम नहीं देंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उनके अंडर। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको बहुत टाइम देंगे क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए, वो जस्ट यंग है, वो एक्साइटेड रहेंगे काम को लेके, लेकिन एक डिमेरिट होगा कि उनका उतना ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं होगा, उतना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, तो ये एक डिमेरिट है। लेकिन अगर ज़्यादा चांस है कि वो लेटेस्ट एरिया में काम कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा काम करने को मौका मिलेगा। लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर ये दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आँख बंद करके आप एसोसिएट के पास चले जाइएगा, वो दोनों थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जब पास कीजिएगा पीएचडी में तो प्रोफेसर बन चुके होंगे, तो फ्यूचर में आपको फायदा होगा। अगर मैं बोलूँ तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आपको इन तीनों में से कोई नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए रिसर्च एरिया और उनका नेचर। रिसर्च एरिया अगर अच्छा है, लेटेस्ट है, तो आपको जॉब लेने में कभी दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, और नेचर अच्छा है तो आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं और आपका अच्छा पीएचडी जर्नी होगा और आपका जॉब लगने का चांस बहुत ज्यादा हाई होगा। अब आपको ये देखना चाहिए कि उनका रेपुटेशन कितना है और नेटवर्किंग कितना है, कि अगर आपके सुपरवाइजर का रेपुटेशन अच्छा है तो ज्यादा चांस है कि आपका अच्छा कोलैबोरेशन होगा,
आपका अच्छा जर्नल में पेपर पब्लिश होगा, आपका हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल में पेपर पब्लिश। अगर उनका नेटवर्क अच्छा है तो आपको ज्यादा चांस है कि पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाए। देखिए अगला पॉइंट है सुपरविजन स्टाइल। देखिए कोई कोई सुपरवाइजर होते हैं रेगुलर मीटिंग करते हैं, कोई कोई सुपरवाइजर होते हैं कि एक दो महीना बाद मीटिंग करते हैं, कोई कोई सुपरवाइजर आपको जबरदस्ती लैब में बैठने के लिए बोलेंगे, कुछ कुछ सुपरवाइजर बोलेंगे कि आप कहीं से भी काम करो आपका काम होना चाहिए। तो आपको देखना है कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद आता है। तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है या आप एडजस्ट हो जाइएगा। जैसे मेरे साथ पीएटी में क्या हुआ था कि शुरू में मैं जब ज्वाइन करता तो मुझे मन नहीं लगता था, मैं लैब में बैठना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती सुपरवाइजर बोलते थे सुबह से शाम तक बैठने के। फिर धीरे धीरे हैबिट हो गया, फिर मुझे लैब में ही मजा आने लगा। तो ये आपको बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ये आप एडजस्ट कर जाइएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके जो स्टाइल आपको सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग सुपरवाइजर के पास जा सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि सुपरवाइजर जो है वो कितना अच्छा है और कहाँ कहाँ पेपर पब्लिश कर रहे हैं, कितना पेटेंट्स है, कितना पब्लिकेशन है, कितना प्रोजेक्ट है। देखिए अगर उनके पास प्रोजेक्ट है तो मान लीजिए आपका 5 साल से ज़्यादा भी हो जाता है तो आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पर वो आपको ले लेंगे, तो आपका कभी पैसा बंद नहीं होगा। SRF के तौर पे आपको ले लेंगे, GRF के तौर पे ले लेंगे, तो आपका कभी पैसा बंद नहीं होगा, आप हमेशा टेंशन फ्री रहिएगा अगर जॉब लेने में कुछ टाइम लगता है तो। अब अगला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी देखना चाहिए कि कितना टाइम ड्यूरेशन वो PhD दे देते हैं स्टूडेंट। देखिए अगर कोई सुपरवाइजर लंबा टाइम लगाते हैं अपने स्टूडेंट को PhD डिग्री देने में, ज्यादा चांस है कि आप उनके अंडर जाना तो नहीं ही चाहिएगा। इंडिया में खासकर अगर 4 से 6 ईयर के बीच में अगर ले रहे हैं तो मुझे लगता है ऑन एन एवरेज हर एक सुपरवाइजर इतना लेते हैं। लेकिन अगर कोई 3 साल में PhD डिग्री कंप्लीट करा रहा है विथ गुड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस पेटेंट्स एंड प्रोजेक्ट के साथ तो वो बहुत ही अच्छा है, तो आप उनको प्रिफर कर सकते। देखिए कोई कोई सुपरवाइजर इजी गोइंग होते हैं, मतलब कि आपको परेशान नहीं करेंगे लेकिन आपका लंबा टाइम पीरियड लग जाएगा। कोई कोई सुपरवाइजर क्या होते हैं कि 3 साल में ही आपको PhD डिग्री दे देंगे, लेकिन 3 साल में आपको बहुत काम करवाएंगे आपसे, तो आपका जल्दी PhD हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको उनके अंडर जाना चाहिए अगर आप PhD करने का मन बना लिया है तो, क्योंकि जल्दी PhD होगा तो आपको बहुत सारा फायदा होगा, आपको जॉब लेने में बहुत आसानी होगा, पोर्टल मिलने में बहुत आसानी होगा। एक मैंने वीडियो भी बनाया था राइट एज टू डू PhD, मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर ज़्यादा एज होता है तो आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो आपको उस वीडियो को देखना चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये सारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा जो जल्दी PhD कराते हैं जाइए, उनके अंदर काम करने में आपको ज्यादा फायदा होगा। और ये ड्यूरेशन ऑफ PhD बहुत हद तक स्टूडेंट पर भी निर्भर करता है, आप कितना एक्टिव है, कितना जल्दी अपने काम को खत्म कर रहे हैं, तो ये आप पे भी निर्भर करता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको देखना चाहिए रिसोर्स एंड फैसिलिटी। आप किसी सुपरवाइजर के अंडर जा रहे हैं और अगर आप एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं, आपका एक्सपेरिमेंट पे काम है, आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको देखना चाहिए उनके पास क्या क्या फैसिलिटी है। जो एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, इससे PhD लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ सुपरवाइजर के लिए यह मैटर नहीं करता है, अगर उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं है, तो वो बाहर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में आपको काम करने के लिए भेज देंगे। तो अगर वैसे सुपरवाइजर है, अगर उनके PhD स्टूडेंट फॉर्मर PhD स्टूडेंट से आपने पता किया वैसे सुपरवाइजर है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर जाके आप काम कर सकते हैं, उनके लिए आप फंडिंग भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए लास्ट में आपको कंक्लूजन पे आते हैं, तो मैंने आपको जितना सारा पॉइंट बताया है तो आपको ये सारा पॉइंट को ध्यान में रखना है। लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको यही बोलूँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उनके फॉर्मर PhD स्टूडेंट से बात करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे उनका पेपर पब्लिकेशन हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में और कहाँ पे सारे स्टूडेंट प्लेड है और कितना अच्छा नेचर है, ताकि आपका PhD इजी गोइंग हो, आपको कोई टेंशन नहीं हो, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़े। वो TA ड्यूटी होता है वो आपको तो करना ही है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना पड़े और PhD ख़त्म करने के बाद आपका अच्छा जगह पे जॉब लग जाए, ये आपका मेन प्राइमरी क्राइटेरिया है जो आपका फुलफिल होना चाहिए। मतलब डिमांडिंग एरिया और अच्छा पब्लिकेशन होने से आपका अच्छा जगह पे जॉब लगने का बहुत ज़्यादा चांस होगा, आपको इतना भटकना नहीं पड़ेगा।